ओके दोस्तों, डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लासेस में हमने कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस पढ़ा। मैंने कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कैसे सीरीज में पैरेलल में रेसिस्टेंस को जोड़कर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसको एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया और आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिया, जो आप आशा करते हैं हम जरूर सॉल्व कर लिए होंगे। आज के सेशन में हम बात करते हैं रेसिस्टिविटी पर, थोड़ा सा रेसिस्टिविटी पर विचार कर लेते हैं, फिर हम अगला टॉपिक कैपेसिटर को देखेंगे। ठीक है, देखिए रेसिस्टिविटी क्या होती है, जो कि रेसिस्टेंस से रिलेटेड है, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। ठीक है, रेसिस्टिविटी इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। ठीक है, ठीक है। जैसे कल में हमने आपको बताया था कि रेसिस्टेंस जो होता है वो मटेरियल के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि पदार्थ के लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कल हमने बताया था जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है दोस्तों, तो यहाँ एक कॉन्स्टेंट आ जाता है जिसको हम यहाँ पे इसी को ही हम क्या कहते हैं, रो। इसी का नाम क्या है, रेसिस्टिविटी, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं, ये प्रतिरोधकता। ये अपने आप में क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये अपने आप में क्या है, एक स्थिरांक है, एक कांस्टेंट है, जो एक विशेष कंडीशन पे ही चेंज होता है। ठीक है, अगर आप चालक पदार्थ की लंबाई बढ़ाएं, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएं या घटाएं, तो इस रेसिस्टिविटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये प्रत्येक मटेरियल के लिए फिक्स होता है। जैसे अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, सिल्वर की, मान लीजिए हमने एल्यूमिनियम की बात किया, तो एल्यूमिनियम की रेसिस्टिविटी मान लीजिए कि क्या होता है, मान लीजिए एल्यूमिनियम की रेसिस्टिविटी 2.8 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। तो अब ऐसा नहीं है कि अब आप इसकी लंबाई बढ़ा दें तो ये चेंज हो जाएगा, चाहे क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका लंबाई मतलब बढ़ा दें या क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर दें तो ये वैल्यू फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी, फिक्स है ये चेंज नहीं होगी। तो फिर ये रेसिस्टिविटी चेंज कहाँ होगी, इसको थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। पहले इसका यूनिट देख लेते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, ये रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू, अगर देखें तो क्या होगा, आर ए अपॉन एल। तो आर का क्या होता है, यूनिट ओम होता है, और इसका मीटर स्क्वायर होता है, और ये आपका मीटर है, मीटर से मीटर कट गया, ओम मीटर हो गया। ठीक है, इस प्रकार इसकी रेसिस्टिविटी अगर देखें तो क्या मिलेगा आपको, ओम मीटर मिलेगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट में हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली ओम मीटर इसकी रेसिस्टिविटी हम यूज में लाते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक मीटर लेंथ वाले मटेरियल का जो रेसिस्टेंस है वही क्या है, रेसिस्टिविटी। अगर यहाँ से हम इसको डिफाइन करना चाहें, यहाँ पे रो इज इक्वल टू आर ए अपान एल है, यदि एल को भी एक मीटर कर दें, इफ मतलब यदि एल को एक मीटर कर दें और ए को एक मीटर स्क्वायर कर दें, एक मीटर स्क्वायर के यहाँ रो इज इक्वल टू आर इंटू वन अपान वन क्या होगा, रो इज इक्वल टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी चालक पदार्थ के एक मीटर लंबे और उसके एक मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का जो रेसिस्टेंस होगा उसी को ही हम क्या कहेंगे, रेसिस्टिविटी कहेंगे। यानी कि अगर एल्यूमिनियम कंडक्टर की रेसिस्टिविटी की बात करें, अगर मान लीजिए 2.8 × 10⁻⁸ ओम मीटर होता, तो इसका मतलब उसके एक मीटर लंबे लंबाई का रेसिस्टेंस 2.8 × 10⁻⁸ ओम है। ठीक है, तो ये होता है रेसिस्टिविटी। पर मीटर लेंथ का कितना रेसिस्टेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं। फिर समझिए, पर मीटर लेंथ का कितना रेसिस्टेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी। ये फिक्स होती है, ये जनरली चेंज नहीं होती, लेकिन ये चेंज कहाँ होती है, डिपेंडेंसी इसकी क्या है, शॉर्ट में देख लेते हैं। ठीक है, रेसिस्टिविटी की डिपेंडेंटी, चूंकि ये रिलेटेड है रेसिस्टेंस से और रेसिस्टेंस को सिलेबस में डिटेल किया गया है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इस पर हम लाइट डाल रहे हैं, आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बैक करके। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इस पर ये बताएंगे कि रेसिस्टिविटी की डिपेंडेंसी क्या है। अगर मान लीजिए कभी एक बार क्वेश्चन पूछा था, ऑब्जेक्टिव में एक बार क्वेश्चन पूछा था, एक चालक तार है उसकी लंबाई दोगुनी कर दिया गया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1/4 कर दिया गया, तो बताइए उसके रेसिस्टिविटी में क्या रेशियो होगा, क्या अनुपात होगा। तो लंबाई बढ़ाइए घटाइए, एरिया बढ़ाइए घटाइए, कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो 1:1 का ही हमेशा रेशियो रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। ठीक है, अब इसका मान लीजिए कि अगर इसके चेंज, इसके डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें शॉर्ट फॉर्म में, अगर इसके डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें,
निर्भरता जिसको हम कहते हैं, तो इसकी निर्भरता क्या होती है? टेम्परेचर। ठीक है, सबसे पहले इसका निर्भरता क्या है? तापक्रम। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्रिस्टल कंस्ट्रक्शन चेंज होगा भाई, उसका इंट्रा मॉलिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा, जिसके कारण उसका स्ट्रक्चर ही क्या होगा, चेंज होगा। जब स्ट्रक्चर ही चेंज होगा तो पर मीटर लेंथ का रेसिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, यानी कि रेसिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, एलोइंग अगर करें, एलोइंग का मतलब होता है मिश्रण। अगर मान लीजिए एल्यूमिनियम है उसमें हम कापर लाकर मिला दिए, कि या चांदी है उसमें तांबा लाके मिला दिए, ठीक है, पीतल बनाने के लिए, तो जब हम दो या से अधिक मटेरियल को आपस में मिला देते हैं ना, तो भी उसकी रेसिस्टिविटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। आप इसको बस हल्के वे में देख लीजिए, ठीक है, दूसरा मिश्रण। तीसरा अगर हम देखें तो मैकेनिकल स्ट्रेसिंग, मैकेनिकल स्ट्रेसिंग मतलब अगर हम उसमें स्ट्रेस प्रेशर डाल रहे हैं किसी भी तरह से, अगर उसके क्रिस्टल का कंस्ट्रक्शन चेंज हो गया, मतलब उसकी नेचर में चेंजिंग आप ला दिए, तो उसके पर मीटर लेंथ का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसको हम क्या करते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका चौथा टॉपिक है मैं एज हार्डनिंग, जिसको हम बोलते हैं, या कोल्ड वर्किंग, एज हार्डनिंग। जैसे मान लीजिए कि मटेरियल को रेसिस्ट बनाने के लिए उस पर अगर चोट डाला जाए या किसी तरह का कोई प्रेशर डाला जाए, तो उस प्रेशर को, उस चोट को, उस फोर्स को रेसिस्ट कर सके, इसके लिए एज हार्डनिंग किया जाता है। उसको ठंडा करके, पहले गर्म करके ठंडा करना, इस तरह का मैकेनिकल वर्किंग होता है, जिसको कोल्ड वर्किंग भी बोलते हैं। इससे भी उसका क्रिस्टल कंस्ट्रक्शन चेंज हो जाता है, जिसके कारण पर मीटर लेंथ का रेसिस्टेंस वेरी हो जाता है। इस प्रकार से उसकी रेसिस्टिविटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार से इतने सारे प्रोसेस हैं जिससे रेसिस्टिविटी क्या होती है, इफेक्टिव होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, ये आपका रेसिस्टेंस को, रेसिस्टिविटी को प्रभावित करने वाले कारक थे। इसके पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो रेसिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक थे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसको केवल ध्यान में रखिएगा क्या इन चीज़ों को हमने बताया। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी थोड़ी सी छोटी सी टॉपिक था जिसको हमने एक्सप्लेन किया। रेसिस्टिविटी नथिंग सिंपली है रेसिस्टेंस ऑफ पर मीटर लेंथ ऑफ एनी कंडक्टर, किसी कंडक्टर के पर मीटर लेंथ का जो रेसिस्टेंस है ना बेटा, वही क्या है रेसिस्टिविटी। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द शॉर्ट टर्म ऑफ कैपेसिटर। हम कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, क्योंकि कैपेसिटर के बारे में डिटेल स्टडी आपके सिलेबस में नहीं है, पिछले समय में रहा करता था, लेकिन अब उसको कम कर दिया गया है। जितनी जरूरत है उतनी बातों को हमें समझेंगे। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर एक छोटा सा, बस केवल कैपेसिटर ही लिखा हुआ है सिलेबस में, मेंशनड है, इसलिए इसको एक्सप्लेन करने जा रहा है। देखिए ये क्या है, कैपेसिटर क्या करता है ना, ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर डिलीवर करता है। बस इतनी बात अगर आप अपने ध्यान में बैठा लिए तो कैपेसिटर इतने में पर्याप्त है, इसकी डिफिनेशन को डिफाइन करने में, इसके बारे में बताने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि ये कैपेसिटर क्या करता है। दो प्लेटों का ऐसा संयोजन होता है, ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, जिसको जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है और आवश्यकता पड़ने पर क्या करता है, डिलीवर करता है। इस बात को आप चाहे नोट डाउन कर सकते हैं, कैपेसिटर दो प्लेटों का एक ऐसा संयोजन होता है जो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसको डिलीवर करता है। ठीक है, सिंपल सा इसका डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, कैपेसिटर वह युक्ति है जो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के रूप में एनर्जी किसके किसके फॉर्म में कर स्टोर करता है, चार्ज के रूप में एनर्जी को किस प्रकार की एनर्जी को, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को, जो चार्ज स्टैटिक होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो चार्ज के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर
क्या करता है, डिलीवर करता है, ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर डिलीवर करता है, ठीक है। यह होता क्या है जनरली, यह दो प्लेटों का कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है, दो प्लेटों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जिसकी कोई फिक्स पोलैरिटी नहीं होती बेटा, ध्यान दीजिएगा, पोलैरिटी नहीं होती, ठीक है। यह क्या है, ये दो प्लेटों का बेटा, ऐसे देखिए दो प्लेटों का कॉम्बिनेशन जिसको हम ये नहीं कर सकते कौन प्लस है कौन माइनस, फिक्स नहीं है, ठीक है। अब ये चेंज भी हो सकता है, ये माइनस है प्लस भी हो सकता है, ये प्लस ये माइनस भी हो सकता है, ये कोई फिक्स पोलैरिटी नहीं। मान लीजिए ये प्लेट आपका पॉजिटिवली चार्ज है तो आपका दूसरा प्लेट क्या होगा, एक निगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है, ये निश्चित है, एक पॉजिटिवली चार्ज होगा तो दूसरा क्या होगा, निगेटिवली चार्ज जरूर होगा, ठीक है। और इनके बीच में होता क्या है, इनके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं। शुरुआत के क्लास में मैंने इसके बारे में बताया था, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्यों भरते हैं, इसके पीछे इसका रीजन क्या है, स्टार्टिंग के क्लास में मैंने जरूर बताया था। इसका एक नाम कंडेंसर भी होता है, क्यों, क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में स्टेब्लिश होती है वो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन, इसको वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, और पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर क्या करती है, मूव करती है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर क्या करती है, वो मूव करते हैं। जब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन मूव करेंगे तो इनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीटर भरा हुआ है ना, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इस इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को क्या करता है, अपने अंदर कंडेंस करता है, ये क्या करता है, अपने अंदर कंडेंस करता है, ठीक है। ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन है, जो काल्पनिक है, इनको हम नहीं देख पाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा, क्या कहते हैं इसको, वैद्युत बल रेखा, ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन, वैद्युत बल रेखा कहते हैं, ठीक है। इनके बीच में जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं ना, मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करता है, वो एनर्जी को स्टोर भी कर सकता है और वो पोलराइज भी हो सकता है। डाइलेक्ट्रिक है क्या, इंसुलेटर का ही एक कैटेगरी है, विद्युत रोधी पदार्थ का ही एक कैटेगरी है, एक उसका पार्ट है जिसके अंदर एक स्पेशल क्वांटिटी जाती है, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट लेक्चर में, कि जो आपका सैनिक होते हैं सेना में, उन्हीं में से स्पेशल प्रॉपर्टी वाले को कमांडो बनाया जाता है। वैसे ही बहुत सारे इंसुलेटर है जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता, जैसे आपका ये मार्कर हो गया, ये मेज हो गया, तख्ता हो गया, कुर्सी हो गया, जितने भी प्लास्टिक का लकड़ी का जो जिसमें धारा का प्रवाह ना हो पाए वो क्या है, इंसुलेटर है। उस इंसुलेटर में कुछ ऐसे भी इंसुलेटर होते हैं, जैसे कांच हो गया, मोम हो गया, कागज हो गया, कुछ एयर हो गया, ऐसे भी कुछ इंसुलेटर होते हैं जिसके अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब ये जो वैद्युत बल रेखा है उसको अपने अंदर कॉन्डेंस भी करते हैं, सूखने का भी काम कर लेते हैं, उसमें पोलराइजेशन भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेपरेट अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उस जो जब इनके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है इंसुलेटर के अंदर, तो इसको इंसुलेटर ना कहके हम इसको क्या कह देते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कह देते हैं। तो जो इसमें हम क्या करते हैं, प्लेटों के बीच में भरते हैं, जिससे हम पहले एक्सप्लेन किए थे कि इसमें जब हम किसी मटेरियल को भरेंगे तो उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, इक्वल मात्रा में होते हैं, तभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि दोनों चार्ज उसमें है, पॉजिटिव भी नेगेटिव इक्वल में है। मान लीजिए मोम ही भर रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज बराबर मात्रा में, तभी तो उसमें कोई अट्रैक्शन रिपल्शन किसी तरह का इफेक्ट नहीं आप देख रहे हैं। तो उसमें जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव प्लेट की ओर, ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज होगा बेटा वो ऐसे पॉजिटिव प्लेट की ओर, ठीक है, जो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव प्लेट की ओर इस प्रकार से क्या हो जाता है मेरे दोस्त, पोलराइज हो जाता है। क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। जैसे पोलराइजेशन की प्रोसेस होती है ना, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सटर्नल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका डायरेक्शन क्या है, प्लस से माइनस की ओर है, बाहर की ओर है, प्लस से माइनस की ओर है। अगर हम इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे ना, इंटरनल अंदर, तो प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस इधर चार्ज है, तो अगर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इसका जो डायरेक्शन हुआ क्या है, अपोजिट है,
ठीक है इंटरनल। तो अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा, क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा। यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाने की वजह से क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। भाई जब सब्ट्रैक्शन होगा तो कुछ ना कुछ कमी होगा। जैसे मान लीजिए आप फोर्स एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, उधर से कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, लेकिन उधर से भी अगर फोर्स लगने लगे तो भाई आपका प्रभाव थोड़ा कम जरूर हो जाएगा। तो वही चीज है, इनके बीच में मान लीजिए जो पोटेंशियल है, वो मान लीजिए इनके बीच में पोटेंशियल भी है, ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जिसको वोल्टेज कहते हैं, मान लीजिए वो क्या है, भी है। और इनके बीच का डिस्टेंस अगर आप डी मान लेते हैं, अगर प्लेटों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए आप डी मान लेते हैं, तो आपका एक फार्मूला बनता है डी इक्वल टू ई इंटू डी, ठीक है, वी इक्वल टू ई इंटू डी, ये फार्मूला बनता है। यानी कि जो ई की वैल्यू है वो क्या है, वी अपन डी होता है, ई की वैल्यू क्या होता है, वी अपन डी होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा तो यहाँ वोल्टेज भी रिड्यूस हो जाएगा। भाई पहले जो वोल्टेज था उससे अब वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आप पढ़ेंगे क्यू बराबर सी इंटू वी होता है, सी क्या है, इसका कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बोले तो इसमें जो चार्ज स्टोर करने की जो क्षमता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, तो वो सी है, ठीक है। क्यू क्या है, जो चार्ज इसमें हम लगातार क्या कर रहे हैं, फ्लो करवा रहे हैं, उस चार्ज अभी क्या है, क्रॉस वोल्टेज है। यानी कि सी जो कर टू क्या मिलेगा आपको, क्यू अपन भी मिलेगा। तो यहाँ से देख रहे हैं जब भी कम हो गया ना, तो कैपेसिटेंस सी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस प्रकार डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब इसमें हम भरते हैं तो क्या क्या कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, वोल्टेज कम होता है, लेकिन कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को आप जरूर नोट कर लीजिए, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए कि जब हम प्लेटों के बीच में, कंडेंसर के कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं, उनके क्रॉस वोल्टेज भी कम हो जाता है, उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाती है, और फिर उसका धारिता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इतनी बातें जरूर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बताए हैं, शेयर किए हैं। और हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर हम बात करें, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है ना, वो होता है एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन ए अपन डी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये केवल एप्सिलॉन लिख दीजिए, सी इक्वल टू एप्सिलॉन, कहीं कहीं उसको डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो के से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सी कहाँ है, सी क्या है आपका, कैपेसिटेंस है, सी क्या है आपका, कैपेसिटेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं, धारिता, क्या बोलते हैं इसी को, धारिता, धारिता का मतलब चार्ज स्टोर करने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यही जो कैपेसिटेंस सी है वो क्या है, एप्सिलॉन ए अपॉन डी। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है आपको परमिटिविटी, एप्सिलॉन क्या कहते हैं, परमिटिविटी, क्या कहते हैं, परमिटिविटी, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। अब ये क्या नाम है, विद्युतशीलता क्या है, अब देखिए ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसके अंदर भरा हुआ है, वो कर क्या रहा है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइट को कंडेंस कर रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये कर क्या रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, ये कंडेंस कर रहा है, इलेक्ट्रिक कंडक्ट कर रहा है। इसके अंदर एक कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी, किसका कंडक्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइट को ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कंडक्ट कर रहा है, तो इसके इस गुण को हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का वह गुण जिससे वो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइट को कंडक्ट करता है, यानी कि अपने अंदर से होकर के पास करता है, उसके इस गुण को हम क्या करते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। दिस पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइट को कंडक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है, उसी को क्या कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर के, किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन जीरो क्या है दोस्त, यहाँ ध्यान दीजिएगा आपका, एप्सिलॉन जीरो क्या है, ये परमिटिविटी है, किसकी परमिटिविटी है, एयर की परमिटिविटी है, दिस इज परमिटिविटी ऑफ एयर, ठीक है। कितनी होती है, 8.85 into 10 to the minus 12 कूलम स्क्वायर
पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या होता है, मात्रक होता है, ठीक है। और आपका ये क्या है, एप्सिलॉन आर क्या है, इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं बेटा, ये भी ध्यान दीजिएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका एक नाम और भी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट, क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि एप्सिलॉन आर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन जीरो, दोनों का सेम मात्रक कट के खत्म, कोई मात्रक नहीं होता, एक कांस्टेंट है, इसीलिए इसका एक और नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगर हम एयर का रिलेटिव परमिटिविटी निकालें, किसका, एयर का रिलेटिव परमिटिविटी, तो ध्यान दीजिएगा इस बात का, तो जब आप जिस भी मटेरियल की परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी और किसी भी मटेरियल की निकालनी है, मान लीजिए आपको कांच की रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है, तो कांच की परमिटिविटी ऊपर रखेंगे, एयर की परमिटिविटी नीचे रखेंगे, फिक्स है, हमेशा नीचे रहना है हर मटेरियल में, जिस मटेरियल का निकालना है उसकी प्रॉपर्टी ऊपर रखेंगे, उसकी परमिटिविटी ऊपर रखेंगे और फिर नीचे एयर की परमिटिविटी से डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव परमिटिविटी उसकी मिल जाएगी। तो किसी भी मटेरियल की अगर रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है तो उसकी परमिटिविटी ऊपर रखेंगे और एयर की परमिटिविटी नीचे रख करके डिवाइड कर देंगे। अगर हम एयर की ही रिलेटिव परमिटिविटी निकालना चाह रहे हैं तो एयर की परमिटिविटी ऊपर रखेंगे और नीचे आपका एप्सिलॉन जीरो तो फिक्स है, तो सबके साथ रहेगा, तो ये दोनों कट के क्या मिल जाता है, वन। इसीलिए एयर की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, वन होती है। और यहाँ पे जो आपका सी है वो क्या है, एप्सिलॉन ए है पांडी, वेयर ए क्या है आपका, अगर हम ए की बात कर रहे हैं, इसको हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, जान ही रहे हैं क्या क्लास है क्या नहीं है, कैसे है क्या नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं ए की बात करें तो ये एरिया ऑफ प्लेट है, क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है, इन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है, एरिया जो प्लेट है ना, इसकी एरिया है। फिर आपका डी क्या है, डी है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन मीटर यूनिट, ठीक है, इन मीटर स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और फिर यहाँ पे सी, सी क्या है, सी आपका क्या है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बोले तो कैपेसिटेंस इन फैरड यूनिट, किसमें है, कैपेसिटेंस इन फैरड यूनिट, ठीक है। ये कैपेसिटेंस क्या है, कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरेज चार्ज, ठीक है, ये आपका कैपेसिटेंस होता क्या, कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरेज, जो कैपेसिटर के पास चार्ज स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी है उसी को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। तो इतना आपका क्या है, पर्याप्त है। ये पैरेलल कैपेसिटर का क्या है, ये कैपेसिटेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। पहले जो है बहुत सारी बातें कैपेसिटर से रिलेटेड आपके सिलेबस में थी, लेकिन इस बार नहीं है दोस्तों, तो इतना ही आपको पढ़ के संतोष करना पड़ेगा, न्यू सिलेबस में एक ही टॉपिक है, इसलिए जितना था उतना मैंने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, इसका बहुत सारा रोल है, ये बहुत कुछ अगर बताया जाए तो कितना लेक्चर इसी पे जाएगा, लेकिन उतना हमें नहीं बताना है, जितना आपको जानना है उतना बताना है, ठीक है। इसकी जो पावर रेटिंग होती है वो हमेशा VAR होती है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ठीक है, क्यों ऐसा होता है सब कुछ, ठीक है, आगे एक्सप्लेन किया जाएगा, यहाँ जितना जानना है उतना जरूर जानिए। सीधे सी बात करिए, कैपेसिटर है क्या, दो प्लेटों का कॉम्बिनेशन है जो अपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में चार्ज के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है, फिर आवश्यकता पड़ने पर क्या करता है, डिलीवर करता है। आप सीधे कह सकते हैं दो प्लेटों का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो एनर्जी को स्टोर करता है, आवश्यकता पड़ने पर डिलीवर करता है, बस छोटा सा डिफिनेशन आप दे सकते हैं। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक हियर, आप आसानी से ले सकते हैं, पहले ये लिखिएगा फिर इसके बारे में, फिर ये लिखिएगा फिर वहां से, फिर यहाँ से, ठीक है, चीजों को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए, आज का ये जो टॉपिक था कैपेसिटर, यही फुल्ली फाइनली फिनिश होता है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द
किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है, बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप नहीं समझेंगे तो ये टॉपिक बहुत ही कठिन है। ठीक है, तो अगर आप समझ लिए तो बहुत ही आसान है, आपके डिफिनेशन आपके जुबान पे होगा, इट्स माई गारंटी। अगर नहीं समझे तो कभी नहीं आएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे, आप जब पढ़ रहे हैं तो समझने का भी कोशिश करिएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बने रहिए हमारे साथ, बहुत सारे एडवांटेज आपको दिए जाएंगे। हैं, तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट नियम, जिसका नाम है किरचॉफ्स का लॉ। किरचॉफ्स कोई है नहीं, एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने दो नियम बना दिए, तो उसका नाम हो गया। अगर आप ही आपने दो नियम कोई नियम बना दिए तो आपका ही नाम के अनुसार होगा। जैसे मान लीजिए आपका नाम अजय भाई, अजय भाई देख रहे हो तो सुनिएगा, अगर अजय नाम है तो अजय रूल्स हो जाएगा, अगर मोहन नाम है तो मोहन रूल हो जाएगा, सतीश नाम है सतीश रूल होगा, अभिषेक नाम है तो अभिषेक सलाह हो जाएगा। जैसा आपका नाम है अगर नियम आप बना दिए तो आपके अनुसार वो नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्या किरचॉफ का नियम। ठीक है, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ सलाह, इसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ सलाह। स्पेलिंग देख लीजिएगा इसका, KIRCHOWF, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, चलिए इसके किरचॉफ्स के दो नियम होते हैं, एक को कहते हैं हम KCL, एक को कहते हैं हम KVL। KCL का मतलब किरचॉफ्स करेंट लॉ, KVL का मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं, किरचॉफ्स करेंट लॉ क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है। ठीक है, AHH है, इसके दो नियम है जिसको हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स करेंट ला, करेंट ला, इसको क्या बोलते हैं, KCL। देखिए अगर आप भी उस समय वैज्ञानिक रहे होते तो बहुत छोटा सा नियम आप खुद बना लेते। ये नियम क्या है कि मान लीजिए कोई एक जंक्शन पॉइंट है जहां बहुत सारे सर्किट का कॉम्बिनेशन ऐसे हो रहा है, मान लीजिए ऐसे हो रहा है, से है। ठीक है, एक पॉइंट पे बहुत सारे सर्किट सब हैं और कुछ करंट इस पे आती हुई दिख रही हैं, कुछ करंट यहाँ पे आती हुई दिख रही हैं और कुछ करंट बेटा आती हुई दिख रही हैं, कुछ करंट यहाँ से जाती हुई दिख रही हैं। ठीक है, कुछ करंट यहाँ से जाती हुई दिख रही हैं। तो इन्होंने क्या नियम बनाया, नियम ये बनाया, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, इस जंक्शन पे जितने भी करंट कॉम्बिनेशंस हैं इनका एल्जेब्रिक सम क्या होता है, जीरो। एल्जेब्रिक सम क्यों, एल्जेब्रिक सम मतलब जब उसको एक प्रॉपर साइन के साथ जोड़ेंगे ना तो उसी को एल्जेब्रिक सम बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर साइन का मतलब जो करंट पास में आ रही है जंक्शन से उसको पॉजिटिव लेंगे, जो करंट दूर जा रही है उसको नेगेटिव लेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, इसी को क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक सम। तो किसी भी जंक्शन में मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है, शून्य होता है। तो अगर स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इसके स्टेटमेंट की अगर हम बात करें जिसको क्या करते हैं कथन, अगर इसके कथन की हम बात करें तो आप क्या लिखेंगे, किसी जंक्शन पॉइंट पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, किस कौन सा योग, बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, जो धारा, ध्यान दीजिएगा, जो धारा जंक्शन के पास आ रही है, ठीक है, जंक्शन के पास आ रही हो,
जो धारा जंक्शन के पास आ रही हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको प्लस चिन्ह के साथ, उसको प्लस चिन्ह के साथ। और जो धारा, ध्यान दीजिएगा, और जो धारा संधि से दूर जा रही हो, संधि से दूर जा रही हो, उसको निगेटिव चिन्ह से के साथ जोड़ते हैं। इस प्रकार का जो जोड़ना होता है, या ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का जोड़ना ही बीजगणितीय अलजेब्रिक सम कहलाता है। इस प्रकार का जोड़ना, इस प्रकार का जोड़ना ही क्या कहलाता है, बीजगणितीय योग कहलाता है। क्या कहलाता है, बीजगणितीय योग। ठीक है, जब उचित सिंबल के साथ आप किसी भी पॉइंट्स को, करंट को जब आप जोड़ेंगे तो यही क्या कहलाएगा। तो यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा, माना I1, I2, I3 करंट संधि के ओर जा रहे हैं तथा I5, I4, I6 करंट संधि से दूर जा रहे हैं। आप बढ़ा लीजिएगा, माना I1, I2, I3 करंट संधि के पास जा रहे हैं और I4, I5, I6 करंट संधि से दूर जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू KCL। तो जो संधि के पास आ रही है वो सब पॉजिटिव होंगी, ठीक है, और जो संधि से दूर जा रही है वो सब क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। ये हो गया जीरो। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं I1 + I2 + I3 = I4 + I5 + I6। ठीक है, ठीक, तो इससे आपको क्या निष्कर्ष निकला। ठीक है, अगर हम इसी बात को दूसरे शब्दों में लिखें, तो अगर हम दूसरे शब्दों में इसको एक्सप्लेन करना चाहें, दूसरे शब्दों में, तो क्या लिखेंगे, संधि के पास आने वाली धाराओं का योग, संधि के पास जो धारा आ रही है, संधि के पास आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं के योग। ठीक है, संधि के पास आने वाली धाराओं का योग, ठीक है, तथा संधि से दूर जाने वाली संधि के पास आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। तो जितना चार्ज आ रहा है उतना है चार्ज क्या हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, जितना चार्ज संधि के पास आ रहा है उतना चार्ज संधि से दूर जा रहा है, यानी कि कोई भी चार्ज यहाँ डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, समाप्त नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें, तो निष्कर्ष हमको क्या मिलता है, फाइनली जो किरचॉफ्स का करंट नियम है, किरचॉफ का धारा संबंधी जो नियम है, धारा संबंधी नियम क्या बताता है, संबंधी नियम क्या करता है, ये आवेश संरक्षण सिद्धांत का फॉलो करता है। ठीक है, या आवेश संरक्षण सिद्धांत चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल को क्या करता है, ये फॉलो करता है। क्यों, क्योंकि जितनी करंट जंक्शन पे आ रही है उतनी करंट जंक्शन से जा रही है, कहीं और नहीं चली जा रही है, सर्किट के अंदर ही रह रही है, कहीं से चार्ज क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। इसलिए ये जो नियम है वो क्या बताता है, आवेग संरक्षण सिद्धांत को क्या करता है, फॉलो करता है। कभी मान लीजिए आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पार्ट्स भी पूछ रहे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, आप जब भी एक्सप्लेन करिएगा इस पॉइंट को जरूर लिखिएगा। इस इतने पॉइंट को आप नहीं लिखे तो कितना बड़ा फिगर बनाए, कितना अच्छा डिफिनेशन लिखे, अगर ये पॉइंट आप नहीं लिखे तो सब कुछ गलत।
गलत हो जाएगा। और इसके नीचे अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर काफी चेक करते करे जल्दी जल्दी में, तो इस पर उसका दिमाग जरूर जाएगा, ये देख लेगा वो तो समझ जाएगा कि वास्तव में तुमने पढ़ के समझ के लिखा है। ठीक है, तो आप इसको करेंट लॉ को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। और ये क्या बता रहा है, यहाँ जरूर लिख लीजिएगा कि माना, यहाँ पे इसको बढ़ा जरूर लीजिएगा, माना I1 I2 I3 धारा संधि के पास जा रही है, इसके पास संधि के पास जा रही है, ठीक है, तथा I3 I4 I5 I6 संधि से दूर जा रही है। ठीक है, सारी बातें हम आपके सामने लिख दिए, कुछ भी आपको अपने तरफ से रीड करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप चाहें, आपको अच्छा लगा हो, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अब इसको हम मिटाते हैं। अब हम बात करेंगे अगला नियम, जिसको हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या कहता है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये दोनों नियम आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन ऐसा करके पूछेगा कि चाप के धारा संबंधी नियम तथा वोल्टता संबंधी नियम को एक्सप्लेन कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, या किरचॉफ के वोल्टता संबंधी नियम तथा धारा संबंधी नियम की व्याख्या कीजिए, ऐसे पूछ देगा। है, तो ये ध्यान देना है आपको। तो दोनों पूछेगा तो दोनों को आपको एक्सप्लेन करना ही करना है। और ये जान लीजिए कि 95% इसको जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि तो बहुत महत्वपूर्ण नियम है ये। इससे सर्किट के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, मतलब उसमें वोल्टेज करेंट इत्यादि का कैलकुलेशन हम बहुत अच्छे तरीके से इस नियम की सहायता से करते हैं। आगे हम एग्जाम्पल दे करके इसको समझाएंगे। हाँ, तो किरचॉफ का नियम, अब हम दूसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम क्या करते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या करते हैं हम, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसका जो दूसरा नियम है उसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको क्या बोलते हैं, केवीएल। क्या बोलते हैं इसको, केवीएल बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये क्या है, चूंकि वो करंट से रिलेटेड था तो उसमें डिफाइन हमने करंट को लेकर किया, ये वोल्टेज से रिलेटेड है तो डिफाइन इसको वोल्टेज से करेंगे। हाँ, ये क्या होता है, मान लीजिए कोई सर्किट, यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ पे सर्किट, यहाँ पे ईएमएफ सोर्स है, ये E1 है, और ये आपका रेसिस्टेंस मान लीजिए R1 है, ये R2 है, यहाँ पे हमने दूसरा सोर्स मान लीजिए लगा दिया E2 माइनस प्लस है, फिर एक लूप यहाँ भी हमने बना दिया, मान लीजिए क्या है R3। ठीक है, तो यहां मान लीजिए इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो क्या है, आई है, तो ये ईएमएफ देखिए माइनस से प्लस की ओर हम जा रहे हैं, यहाँ भी फिर माइनस से प्लस की ओर ही है, हम दोनों ईएमएफ क्या कर रहे हैं, सर्किट के एनर्जी को क्या कर रहे हैं, बढ़ाने का काम कर रहा है, दोनों ईएमएफ क्या कर रहे हैं, सर्किट के एनर्जी को बढ़ाने का काम कर रहा है। लेकिन ये जो है ना, ये जो R1 R2 R3 है, इसमें जैसे ही करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है IR1, इसमें ही वोल्टेज का ड्रॉप हो जा रहा है IR2, इसमें भी वोल्टेज का ड्रॉप हो जा रहा है IR3। ड्रॉप कहाँ, मान लीजिए यहाँ पे 100 वोल्ट है, 50 वोल्ट है, दोनों जुड़ कर सर्किट को 150 वोल्ट दिए, कुछ वोल्ट यहाँ खत्म हो गया, कुछ वोल्ट यहाँ खत्म हो गया, धारा रेजिस्टेंस गुणा करेंगे जितना आएगा उतना वोल्टेज खत्म हो रहा है, इसको ड्रॉप बोलते हैं, कुछ यहाँ। तो ये बताया गया है कि इन सभी वोल्टताओं का ड्रॉप और ये ईएमएफ सभी वोल्टताओं का एल्जेब्रिक सम क्या होता है, जीरो होता है। बस सिंपल डिफिनेशन यही है, किसी क्लोज्ड पाथ में सभी प्रकार के वोल्टताओं का बीजगणितीय योग कर लें, ये घट रहे हैं ये बढ़ा रहे हैं, तो इन तीनों को जोड़िए और फिर इन दोनों को जोड़िए, दोनों बराबर आएंगे, या इन सबको जोड़ दीजिए प्लस सिंबल के साथ, इन दोनों को तीनों को जोड़िए माइनस सिंबल के साथ के जोड़िए इक्वल टू जीरो आएंगे। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, प्लस माइनस के साथ जब इन वोल्टताओं को जोड़ेंगे ना, तो उसी को एल्जेब्रिक सम बोलते हैं। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, क्लोज्ड पाथ में क्या लिखेंगे, किसी
क्लोज्ड पाथ मतलब क्लोज्ड लूप बोलते हैं, किसी क्लोज्ड लूप में सभी प्रकार के, ध्यान दीजिएगा, सभी प्रकार के वोल्टताओं का, किसका वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, क्या बीजगणितीय योग क्या होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, जो वोल्टेज सर्किट की एनर्जी को बढ़ाते हैं, जो वोल्टेज सर्किट के एनर्जी को बढ़ाते हैं उनको प्लस चिन्ह के साथ तथा जो वोल्टेज सर्किट के एनर्जी को घटाते हैं, उसको निगेटिव चिन्ह के साथ जोड़ते हैं। इसी जोड़ को बीजगणितीय समालजेब्रिक सम बोलते हैं। इसी जोड़ को क्या बोलते हैं, बीजगणितीय योग कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका सिंबल के अनुसार कैसे हम जानेंगे कि सर्किट की एनर्जी को ये बढ़ा रहा है घटा रहा है। ठीक है, यहां पे मान लीजिए कि हम वोल्टता का साइन कन्वेंशन देखें, चिन्ह परिपाटी अगर हम देखें, अगर हम वोल्टता का देख रहे हैं, मान लीजिए प्लस है माइनस है वोल्ट का, और हमारा मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में मूव भी कर रहे हैं, जैसे ये मूवमेंट है ना, इसी डायरेक्शन में हमारा, मान लीजिए हम ऐसे मूव कर रहे हैं माइनस से प्लस की ओर, मूव भी हमारा हो रहा है। ठीक है, ऐसे चाहे क्लॉकवाइज का है एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो जा सकता है, तो अगर ऐसे होता तब तो बात कुछ और होती, लेकिन ऐसे मूव हो रहा है माइनस से प्लस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, तो हमेशा इस वोल्टेज को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो आपका वोल्टेज लेंगे जोड़ते समय, इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये हम ले रहे हैं ना, यहाँ पे ये ले रहे हैं प्लस माइनस, अगर हमारा मूवमेंट इधर है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इसको हमेशा क्या लेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस बी, यानी कि ये क्या होगा आपका, प्लस बी होगा। अब देखिए ये वोल्टेज का, फिर तीसरा ड्रॉप का कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अगर साइन कन्वेंशन देखें तो क्या होगा, मान लीजिए कि ये आपका रेसिस्टेंस है आर, और करंट ऐसे फ्लो रहे यानी कि प्लस से माइनस, और हमारा मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में, करंट में से जब मतलब यहाँ फ्लो होती है प्लस होता है, जब निकलती है वो माइनस होता है, और हमारा मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा प्लस आई आर होगा। ठीक है, इसी प्रकार ये पहला हो गया, मान लीजिए कि दूसरा अगर इसी प्रकार से है, ये आपका रेसिस्टेंस है, ये है आपका आर, और करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है प्लस माइनस, लेकिन हमारा मूवमेंट जस्ट इसके अपोजिट है। ठीक है, तो जब हमारा मूवमेंट इसके अपोजिट होगा ना, यहाँ ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या हो जाएगा, माइनस आई आर होगा। ठीक है, इसके लिए वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, माइनस आई आर, इसके लिए वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, प्लस आई आर। यहाँ वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज होगा, सर्किट एनर्जी को बढ़ाएगा, ये वोल्टेज क्या है, सर्किट एनर्जी को घटाएगा। तो ये पूरे साइन कन्वेंशन है किरचॉफ्स लॉ के, जरूर ध्यान दीजिएगा इस बात का। अब इसी जो भी साइन कन्वेंशन हम यहाँ पे आपको बताए हैं, इस साइन कन्वेंशन का यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग केवीएल इन गिवन लूप। हम क्या कर रहे हैं, गिवन लूप में हम क्या कर रहे हैं, किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। जब यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा, हम मूवमेंट हमारा ऐसे है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम जा रहे हैं,
तो मूवमेंट माइनस से प्लस की ओर है ना, तो ये प्लस सिंबल में आएगा। फिर देखिए ये प्लस माइनस, फिर ये करंट ऐसे फ्लो रहा है प्लस माइनस। तो हमारे देखिए हमारा मूवमेंट प्लस से माइनस की ओर है ना, तो भी आपका माइनस हो जाएगा आई आर, और फिर प्लस से माइनस का फिर ये भी माइनस हो जाएगा, इसी को पेरिएपिक्स हम बोलते हैं। फिर देखिए माइनस से प्लस, नीचे प्लस आ रहा है ना, तो प्लस ई टू हो जाएगा, फिर प्लस से माइनस आ रहा है यानी कि माइनस आर थ्री, सबका एलजेब्रिक सम क्या हो गया जीरो, सारे पूर्णताओं का एलजेब्रिक सम क्या हो गया आपका जीरो हो गया। तो यहाँ से ई वन प्लस ई टू हो जाएगा, और फिर यहाँ पे सारे वोल्टेज आप एक साथ जोड़ लीजिए तो क्या आई आर प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, अब दूसरे शब्दों में अगर इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, आप यहाँ इसके साथ ले लीजिए इसका, फिर हम आगे इसको डिफाइन करते हैं, लिखते हैं ये जो हमने रिजल्ट लाया है, रिजल्ट को यहाँ पे दूसरे शब्दों में कैसे डिफाइन करेंगे उसको देख लेते हैं। मतलब इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने एक रूप तो लिखा कि सभी पूर्णताओं का एल्जेब्रिक सम जीरो होता है, इसका दूसरे रूप में लिख सकते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ्स, सारी ईएमएफ्स का एल्जेब्रिक सम चिन्ह के साथ इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ आर वोल्टेज ड्रॉप, ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, यानी कि सभी ईएमएफ का एल्जेब्रिक सम सभी वोल्टेज ड्रॉपों के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है, दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सभी ईएमएफ का एल्जेब्रिक सम सारे वोल्टेज ड्रॉपों के एल्जेब्रिक सम के क्या होता है, बराबर होता है, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। सभी ईएमएफ्स का बीजगणितीय योग, कौन सा योग, बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, सभी वोल्टेज ड्रॉपों के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है, इसको लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में, इन दर है सभी ईएमएफ्स का बीजगणितीय योग सभी वोल्टेज ड्रॉपों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वोल्टेज यानी कि सर्किट में जो एनर्जी जितनी बढ़ रही है उतनी ही एनर्जी घट भी रही है, ठीक है, ताकि एनर्जी बैलेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो जितनी एनर्जी बढ़ रही है वोल्टेज के, वोल्टेज एनर्जी को जितना बढ़ा रहा है ये रेसिस्टेंस उतनी एनर्जी को ड्रॉप भी कर रहा है, यूज भी कर ले रहा है, मतलब कोई भी एनर्जी एक्स्ट्रा बेकार नहीं जा रही, जितना बढ़ रही सर्किट में उतना यूज हो जा रही है। तो इस प्रकार का यह जो नियम है ये किसको फॉलो करता है, ये जो नियम है एनर्जी कंजर्वेशन रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। इसको आप लिख सकते हैं निष्कर्ष में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, किरचॉफ का बोल्टता नियम, किरचॉफ का बोल्टता नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, एनर्जी के प्रिंसिपल को क्या करता है, फॉलो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है इसको, ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है वो क्या करता है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल को फॉलो करता था। किरचॉफ करंट लॉ किसको फॉलो करता था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, सिद्धांत को फॉलो करता था, ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन हम लगाएंगे, लेकिन आज नहीं कल, इस क्वेश्चन को हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, कल हम उसी क्वेश्चन पे क्या करेंगे, वार्तालाप करेंगे, और फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ फुल्ली एंड फाइनली क्या हो जाएगा, फिनिश। तो चलिए क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा,
ये क्वेश्चन आपका है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, उससे सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नोट कर लीजिए, कल इस पर विचार करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।